बात तो सोचनी सोचनी पड़ेगी। पड़ेगी यार, एक पीएम अपनी आवाम से ये कह रहा है तो लोग सोचेंगे, जाने से पहले तो थोड़ा सा सोचेंगे। और मुझे तो यहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, उधर रशिया और मोदी जी ने मिलकर जवाब दे दिया सबको, चाहे वो चाइना ही क्यों ना। उसी चीज पे आज की वीडियो है। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान से बढ़ाई दोस्ती, उधर रशिया से मोदी ने मचा दिया भोकाल। यस, तो यहाँ पे धूम धड़ाका मचा दिया है। तो देखते हैं इसी चीज पे आज का मिक्स मैसअप रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और एक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजी मदद, मोदी ने रूस के साथ किया बहुत बड़ा करार, भारत के धमाके से यूरोप चीन दोनों हो गए चित्त। दोस्तों, दुनिया भर के देश भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने में लगे हुए हैं। सुपर पावर अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो भारत को लुभाने की हर कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। अमेरिका भारत को तमाम हथियार देने का वादा भी कर रहा है, वो चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों में एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे हैं। भारत चीन मामले में रूस के अपेक्षित सहयोग न मिलने के बाद भी भारत रूस से दूर नहीं हुआ है। अमेरिका के सामदाम दंड भेद की नीतियों के बाद भी भारत ने रूस से दूरियां बढ़ाने की जगह नजदीकियां बढ़ा ली हैं। भारत ने इनडायरेक्टली रूस यूक्रेन वॉर में रूस की मदद ही की है। भारत ने अरब देशों से तेल आयात बंद करके रूस से अपना तेल आयात बढ़ा दिया, जिससे रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने में मजबूती मिली। इसी बीच अमेरिका ने अपना दोगला रवैया दिखाते हुए पाकिस्तान की मदद की है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ के उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी है। इन सैन्य उपकरणों की मदद से अब पाकिस्तान के एक घातक F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते रहेंगे और जोरदार हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम के बाद भारत ने सुपर पावर को तगड़ा झटका दे दिया है। सवाल उठता है कि भारत ने अब क्या किया है, पश्चिम क्यों बेचैन हो रहा है, यूरोप की साजिश कैसे चकनाचूर हो गई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप देश की मजबूती से गदगद हो जाएंगे। पुतिन मोदी की दोस्ती देखकर जल उठा चीन, अमेरिका हो गया बेचैन, यूरोप का बीपी हाई। दोस्तों, भारत एवं रूस दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सदैव एक दूसरे की मदद की है। मौजूदा समय में भी रूस के साथ भारत की दोस्ती एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्रों का विकास करना है। भारत काफी पहले से इसमें भाग लेता आ रहा है। यह वैश्विक निवेश समुदायों के भीतर संबंधों को स्थापित करने और मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 5-8 सितम्बर 2022 तक इसके 7वें वर्जन में भी भारत को बुलाया गया। वर्चुअल होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और दोनों देशों के संबंधों और नीतियों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। साथ ही उन्होंने आर्कटिक नीति को लेकर भी संकेत दे दिए हैं, जो आने वाले समय में पश्चिमी देशों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी पुरानी है और समय की मांग भी है। दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। उन्होंने कहा, मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए बेहद खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ होता है। नदियों, लोगों और विचारों का संगम एक साथ आना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रूस ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को भरपूर मदद पहुंचाई है। टीकाकरण के क्षेत्र में रूस के सहयोग को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्वी आर्थिक मंच के समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के 11वें पूर्वी क्षेत्रों के गवर्नरों को भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। इस दृष्टिकोण को साकार करने में भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार बनेगा। 2019 में जब मैं फोरम में हिस्सा लेने के लिए व्लादिवोस्तोक गया था, मैंने सुदूर पूर्व नीति को लागू करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, उस समय हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। पीएम ने कहा, भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत ने फार्मा हीरो के क्षेत्र में भी रशियन फॉर ईस्ट में मजबूत निवेश किए हैं। दोस्तों, आर्कटिक के लिए दुनिया में लड़ाई क्यों छिड़ी है, पीएम ने क्या संकेत दिए हैं? तो दोस्तों, विकास की अनेक संभावनाएं समेटे आर्कटिक क्षेत्र ऊर्जा का नया भंडार है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत भी आर्कटिक क्षेत्र को लेकर काफी उत्साहित है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में न सिर्फ ऊर्जा संबंधी संभावनाएं हैं, बल्कि अन्य संसाधन भी विद्यमान है, जिसे लेकर देशों में होड़ लगनी आरंभ हो गई है।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अनुसार यदि रूस और भारत एक साथ आते हैं तो एक ऐसा ब्लॉक तैयार हो सकता है जो पश्चिमी देशों की आधिपत्य को तोड़ सकता है। पश्चिमी देश जो अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, आज वे सभी महंगाई, ऊर्जा संकट एवं राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। कनाडा और अमेरिका की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। विकास की जड़त्व को प्राप्त कर चुके ये देश अब न सिर्फ विकास के क्रम में ढलान पर है बल्कि बढ़ती हुई एशियाई शक्तियों ने इनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अगर भू राजनीतिक के दावपेच को ध्यान से देखा जाए तो यूरोप अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। बड़े यूरोपीय देश जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके सबके हालत खस्ता हो चले हैं और रूस के द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोके जाने के बाद ये देश घुटने पर आ गए हैं। अब यदि ऐसे में भारत और रूस एक साथ मिलकर आर्कटिक क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करते हैं तो यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा तो होगा ही, साथ ही हम पर पश्चिमी देशों की निर्भरता भी बढ़ेगी। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनकर तैयार होगा जिसमें पश्चिमी देशों की औकात वो नहीं रह जाएगी जो आज है। हालांकि प्रतिबंध के जाल में फंसे रूस की मंशा यह रही है कि भारत, चीन एवं कुछ अन्य देशों को साथ लेकर एक ब्लॉक बनाया जाए जिसमें डॉलर की हेजेमनी को कम किया जाए और नए पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की जाए। मौजूदा समय में आप दुनिया के चौधरी तभी बन सकते हैं जब आप घर से मजबूत हो, और रूस जितना भी मजबूत हो लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था की हालत सही नहीं है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या रूस ऐसे किसी कवायद में चीन को नजरअंदाज करेगा या उसे भी अपने साथ लेकर चलेगा। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ कदम बढ़ाकर यूरोप के साथ चीन को भी झटका दे दिया है। दोस्तों, व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। यह जगह ट्रांस सर्बियन रेलवे का टर्मिनल भी है जो इसे मॉस्को से जोड़ता है। रूस की राजधानी मॉस्को से अगर ट्रेन के जरिए यहां के लिए निकला जाए तो एक हफ्ते में व्लादिवोस्तोक पहुंचा जा सकता है। व्लादिवोस्तोक जापान के समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करता है, साथ ही यहां पर एक सेंट्रल स्क्वायर भी है। इस सेंट्रल स्क्वायर पर हर साल उन रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जापान के साथ युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ से ईस्ट चाइना सी काफी पास है जिस पर चीन और जापान दोनों ही दावा ठोकते हैं। चीन हमेशा से संसाधनों से भरे पूरे हिस्से पर गंदी नजर रखता आया है, लेकिन चीन को करारी मात देने के लिए भारत ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का प्लान तैयार किया है। इस कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के इस शहर से जोड़ना है। इस नए सी रूट के बाद रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिनों का समय ही लगेगा। अभी यूरोप के रास्ते आने वाले सामान को भारत और रूस तक पहुंचने में 40 दिन का समय लग जाता है। साल 2019 में जब पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की थी तो उसी समय इस पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने रूस के इस हिस्से के विकास के लिए $1 अरब की मदद देने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने चीन को बेहद जोर का झटका दे दिया है जिसका रिएक्शन भी देना उनके बस की बात नहीं है। बड़ी बात है उधर से, मतलब कि पीएम मोदी ने जो बातें बोली हैं रशिया के लिए बहुत ही जबरदस्त बोली हैं। बिल्कुल, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना रशिया और ये क्या नाम इंडिया और तो ये यार मतलब कि साथ चाइना भी शामिल हो जाता है। चाइना को छोड़े पापा चाइना है। यार मेरी बात सुनो ना, अगर वो रशिया मोदी जी तो नहीं जाएंगे। आई थिंक ये कदम बहुत जरूरी था, आने वाले टाइम के लिए भी बहुत जरूरी था, ना कि इनकी प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए भी जरूरी था। दोनों देशों को अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए भी और मैसेज देना बहुत जरूरी था, सबसे ज्यादा जरूरी था। स्पेशली अगर अमेरिका जिस तरह से आजकल ये हरकतें कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके और क्या भारत को प्रोवोक कर रहा है, मुझे लगता है और भी बहुत सारे स्टेप्स आने वाले टाइम में भारत जरूर लेगा। तो ये थी आज के हमारे मिक्स मैसअप रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना। मिलते दूसरे रूप में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।